हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, लाइक मानो या ना मानो, कोई ना कोई, किसी ना किसी, कुछ ना कुछ, इसी काइंड के जो सेंटेंसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, हम इस वीडियो में वही सीखेंगे। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द फर्स्ट वन इज़ मानो या ना मानो, या फिर हो ना हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट। जैसे हम बोलते ही हैं बिलीव इट और नॉट, ये तो यही चीज़ है। एग्जाम्पल लेते हैं, मानो या ना मानो, वह इस गलती के लिए वही जिम्मेदार है। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? बिलीव और नॉट, ही इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। मूव टू नेक्स्ट। अब हमें बोलना है कोई ना कोई या फिर किसी ना किसी, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? समवन और दी अदर। क्या करेंगे? समवन और दी अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर वह उस जगह जाती है तो कोई ना कोई उसे पहचान लेगा। तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? समवन और दी अदर विल आइडेंटिफाई हर इफ शी गो टू दैट प्लेस। समवन और दी अदर विल आइडेंटिफाई हर इफ शी गो टू दैट प्लेस। अब आते हैं किसी ना किसी, उसके लिए भी समवन और दी अदर लगेगा। तो जैसे कि आपने यह बात किसी ना किसी को बताई है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टोल्ड दिस थिंग टू समवन और दी अदर। यू हैव टोल्ड दिस थिंग टू समवन और दी अदर। अब आता है कुछ ना कुछ। कुछ को हम क्या बोलते हैं? समथिंग। और कुछ ना कुछ बोलना होगा तो समथिंग और दी अदर। जैसे कि समवन को क्या बोलते हैं? कोई। और अगर हमें बोलना है कोई ना कोई तो समवन और दी अदर। वैसे ही किसी को हम समवन बोलेंगे, किसी ना किसी तो समवन और दी अदर, और दी अदर हमें ऐड कर देना है। तो एग्जांपल है, वह कुछ ना कुछ छुपा रही है, तो हम बोलेंगे शी इज़ हाइडिंग समथिंग और दी अदर। शी इज़ हाइडिंग समथिंग और दी अदर। अब आता है कहीं ना कहीं। कहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समवेयर। और कहीं ना कहीं समवेयर और दी अदर। क्या बोला? समवेयर और दी अदर। फॉर एग्जांपल, मुझे कहीं ना कहीं से उसका नंबर मिल ही जाएगा, तो हम कैसे बोलेंगे? आई विल गेट हिज नंबर फ्रॉम समवेयर और दी अदर। आई विल गेट हिज नंबर फ्रॉम समवेयर और दी अदर। अब आता है कभी ना कभी। कभी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? समटाइम। और कभी ना कभी को समटाइम और दी अदर। समटाइम और दी अदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं उस जगह पर कभी ना कभी ज़रूर जाऊँगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल डेफिनेटली गो टू दैट प्लेस समटाइम और दी अदर। आई विल डेफिनेटली गो टू दैट प्लेस समटाइम और दी अदर। अब आता है, अब जैसे हम बोलते हैं क्या हो अगर, तो इसके लिए कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? हम यूज़ करेंगे वॉट इफ़ का। क्या यूज़ करेंगे? वॉट इफ़। फॉर एग्जाम्पल, क्या हो अगर उसका भाई हमारी शादी के लिए मना कर दे, तो इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? वॉट इफ़, क्या हो अगर हिज ब्रदर रिफ्यूजेज फॉर अवर मैरिज। वॉट इफ़ हिज ब्रदर रिफ्यूजेज फॉर अवर मैरिज। नेक्स्ट इज, जैसे हम बोलते हैं ना कि भले ही ऐसा हो, तो भले ही को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इवन इफ़। क्या बोलेंगे? इवन इफ़, भले ही, इवन इफ़। फॉर एग्जाम्पल, भले ही वो मुझे पसंद नहीं करती, इवन इफ़ शी डोंट लाइक मी। भले ही वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता, तो इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? इवन इफ़ शी डोंट लाइक मी बट आई कैन नेवर थिंक इल अबाउट हर। बुरा मतलब, इल मतलब बुरा। ठीक है, भले ही वो मुझे पसंद नहीं करती, इवन इफ़ शी डोंट लाइक मी, लेकिन मैं उसके बारे में, बट आई कांट, आई कैन नेवर थिंक इल अबाउट हर, मैं उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक ऑल द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस आई टॉट इन दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।